नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीगर मैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मैं एक स्टॉक का एनालिस्ट दिखाने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है लक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ये 1995 स्थापित हुई थी। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर हैं हॉजरीज और नाइट वियर्स और जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उसमें। करीब करीब 14% का मार्केट शेयर है इसका। और इस ये कंपनी जो है कब 100 100 प्रोडक्ट है। 16 से अधिक अच्छे ब्रांड है, टॉप क्वालिटी ब्रांड है। और कंपनी के पास कम से कम 4,50,000 रिटेल पॉइंट्स है ओवरऑल इंडिया में। अगर आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये कंपनी और कौन से प्रोडक्ट बनाती है और इसके ब्रांड मैच कौन कौन है। इनर वेयर और कैजुअल्स में आते हैं। और ये पर देखिए, इसके फैसिलिटीज जो है करीब करीब 14 लाख स्क्वायर फीट में फैसिलिटी। इसका जो बिगेस्ट जो एशिया में है, सबसे बड़ा फैसिलिटी है। यहाँ से देखिए, 60+ ईयर का लिगेसी है। 2,000 करोड़ प्लस का जो है इसका टर्नओवर है। और इसका यहाँ देखिए 36,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं टोटल। और ये देखिए, अलग अलग ब्रांड आप देख सकते हैं, लक्स कोजिक, जेन, लारा, वंस, ग्लोज। ये बहुत ही अच्छी टॉप क्वालिटी कंपनी है। अब इसके बारे में और डिटेल समझते हैं। यहाँ पर मार्केट कैप देखिए 5,733 है। करेंट प्राइस का 1906 है, जबकि हाई प्राइस 4,644 और लो प्राइस 1,685। यहाँ देखिए स्टॉक का पी 17 का है, जो बताता है कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे लेवल के है सिचुएशन पे ये स्टॉक का पी। बुक वैल्यू देखिए 4,438 है और डिविडेंड बिल 0.63 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही टॉप क्वालिटी का है। इतना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आपको बहुत ही कम स्टॉक्स में मिलेगा। रिटर्न इन इक्विटी देखिए 29% का है, जबकि फेस वैल्यू 2 और पेग रेशियो 0.42 है। 0.42 पेग रेशियो सूचित करता है कि आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है गजब तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट करने वाला है। कृपया अपने फंडामेंटल और टेक्निकल एडवाइजर से बात करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इक्विटी कैपिटल देखिए 6.26 है, जो कि बताता बहुत ही कम इक्विटी कैपिटल है। करंट रेशियो 2.64 बताते हैं। कंपनी का जो करंट एसेट है उसके 2.64 गुना ज़्यादा है। कर जो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.32 है, जबकि ग्रोथ फैक्टर 4 का। यही एक थोड़ा सा कंसर्न है यहाँ पर, जो पिछले कुछ क्वार्टर में इसके रिजल्ट आए हैं उतने ज़्यादा जो है उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, जिसके वजह से कंपनी का जो शेयर है अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। पायोट्रोस की भी 2 है, जो कि थोड़ा बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है यहाँ पर। यहाँ रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो आप 16% का मिलेगा, जो कि डेट टू प्रॉफिट है 0.9 बताता है। कंपनी के पास बहुत ही कम डेट है, लेकिन जो भी डेट है उसको वो रिटर्न कर पा रही है बहुत फास्टली। यहाँ अल्टीमेट स्कोर 8.38 बताता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। किसी का भी अल्टीमेट स्कोर अगर 3 से ज़्यादा हो तो उसको अच्छा माना जाता है। डिफरेंस इन आईवी देखिए 8.07 बताता है कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू भी थोड़ा सा अभी मार्केट से ज़्यादा है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का ब्रांड, टॉप ब्रांड कंपनी है, तो आप इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट और आने वाली फ्यूचर में अच्छा रिटर्न की संभावना समझ सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर जो है 3.01 है, जबकि 10 साल पहले जो उसका नंबर ऑफ शेयर था वो 2.53 था। थोड़ा सा अपने शेयर सॉलिड चेक को इसने गिराया है। 1 से ज़्यादा होना उतना अच्छा नहीं माना जाता। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि कंपनी जो है टॉप क्वालिटी की है। 1.19 बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है अपने ओवरऑल 10 ईयर्स के रिकॉर्ड में। EPS देखिए लेटेस्ट क्वार्टर का 17 रुपये का है, जबकि EPS पूरे साल का 110 रुपये का है। जबकि सेल्स 10 साल का जो सेल्स आप देखेंगे यहाँ 15.3% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 37.4 है, जो कि अपने सेल्स से बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका मैक्सिमम, आप देखिए किस प्रकार कंपनी का जो प्राइस है यहाँ गिर के 4,000 रुपये से नीचे आके अभी 2,000 के अराउंड मूव कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसका। जो अगर 200 डीमा 50 डीमा भी आप देखें तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन कृपया अपने टेक्निकल फंडामेंटल से बात करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर सबसे समझने वाली बात है, कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ जो 41.5% का CAGR से पिछले 5 साल में बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही गजब का है कंपनी का। पिछले 3 साल में 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि इस तरह की आपको बहुत ही कम कंपनियों में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे समझदारी वाली बात, देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वैसा ही है जैसे लॉयला टेक्सटाइल, लक्ष्मी मिल्स और ग्रीवी मिल्स आदि कंपनियों का है। अब यहाँ पर सेल्स देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर सब नोटिस करने वाली बात क्या है कि सन 2019 में इसका सेल्स 262 करोड़ का हुआ करता था, जो कि बढ़ के 564 करोड़ का हो चुका है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। यहाँ थोड़ा सा मैटर कंसर्न यही है कि यहाँ पर जो इसका सेल्स जो ग्रो हुआ बहुत ही कम हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन कितना ही टॉप क्वालिटी का मार्जिन मेंटेन कर रही कंपनी। पहले 14% का मार्जिन थी, अभी मेंटेन करके 13% पे आ गई है। यहाँ पर थोड़ा सा एक मैटर ऑफ कंसर्न है,
जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इंटरेस्ट देखिए कंपनी बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट तो दे रही है, लेकिन कंपनी अपने इंटरेस्ट को मेंटेन भी कर पा रही है। यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट भी कंपनी का किस प्रकार 20 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ पे जा चुका है, और सेल्स यहाँ देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रो किया है। यहाँ पर देखिए 2011 में 521 करोड़ का सेल्स हुआ करता था, कि जो कि बढ़ के अभी 2400 करोड़ का सेल्स हो चुका है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो आप 22 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ करता था अभी 463 करोड़ का, एक त्रिगुणात्मक वृद्धि इसके पूरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिख रहा है। मार्जिन भी देखिए 4% 6% का मार्जिन अभी 19% पर आ चुका है, एक बेहतरीन गजब का अपने मार्जिन को मेंटेन करके कंपनी आगे बढ़ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का जो है वो 13 करोड़ से बढ़ के 444 करोड़ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा बढ़ गया, और यहाँ देखिए डिविडेंड पे आउट भी देखिए 14% से बढ़ के 11% पे मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 42% का है, जबकि स्टॉक का प्राइस 9% का दिखा रहा है। तो कंपनी के पास बहुत ही गजब का उमदा अभी टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ मैटर ऑफ कंसर्न था इक्विटी कैपिटल को लेकर, लेकिन कंपनी ने अपनी इक्विटी कैपिटल को गजब तरीके से मेंटेन किया है, और अभी देखिए सिर्फ 6 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व तो देखिए किस तरह का रिजर्व यहाँ पर बढ़ गया। मार्च 2011 में 24 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, जो कि बढ़ के अभी 1310 करोड़ का रिजर्व हो गया। बोरोइंग भी कंपनी ने बहुत कम कर लिया है, पहले बोरोइंग इसका देखिए आप 280 करोड़ का हो गया था, जो कि अभी 329 करोड़ का बोरोइंग बढ़ के अभी 316 करोड़ का बोरोइंग अभी चल रहा है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट मार्केट में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनी के पास इन्वेंट्री 815 करोड़ का इन्वेंट्री है। देखिए ट्रेड रिसीवेबल 636 करोड़ का ट्रेड है, जबकि कैश देखिए 70 करोड़ का है। तो ये कुल मिला के आप कह सकते हैं कि बहुत ही उमदा कंपनी, और कैश फ्लो बहुत अच्छा खासा मेंटेन कर रही है। कंपनी के पास डेटर डेज भी फ्लैट चल रहा है, इन्वेंट्री डेज भी फ्लैट है। डेज कैश कन्वर्सन साइकिल भी देखिए आप यहाँ पर 422 करोड़ का। ये एक थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, कंपनी अपना कैश नहीं बना पा रही, इसको 422 दिन लग रहे हैं कैश बनाने में, लेकिन यहाँ पर बहुत ये ज़्यादा दिन है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन पहले भी था। सन 2017 की बात है कि जब 302 हो गया था, लेकिन कंपनी ने अच्छा खासा मेंटेन कर लिया आने वाले 2-3 सालों में, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखिए 34% का रिटर्न ऑफ कैपिटल कौन सी कंपनी देती है। और प्रमोटर होल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, कंपनी का प्रमोटर जो 69% हुआ करता था, अभी बढ़कर 74.33% अपने प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को गजब तरीके से बढ़ा लिया है। और DII देखिए किस प्रकार कंपनी के ऊपर सॉलिड एकदम अपना पहले 4% होता था, DII अभी बढ़ के 6% आ चुका है। और FII ने भी अपना होल्डिंग थोड़ा बहुत कम किया, लेकिन उसको DII ने कवर कर लिया। देखिए पब्लिक ने भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ थोड़ा बहुत बढ़ाया है पिछले 2-3 क्वार्टर में। तो कुल मिला के एक अच्छी कंपनी है, अच्छा एनालिसिस अगर आपको मिला हो तो इसके लिए लाइक करें, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब।